सर शाह सखी साहब चीफ गेस्ट और तमाम सीनियर और यंग लॉयर्स दोस्तों बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे इतना अच्छी तकलीफ करने नहीं आती, वजीरी साहब की तरह नाशे शेर पढ़ने आते हैं। मैं आप लोग दोस्तों से जो भी मुखातिब होऊंगा, जो भी अल्फाज होंगे वो मेरी दिल की आवाज़ होगी। मैं जाती तौर पर यही चाहता हूँ कि काम जो किया जाए भुखला बरादरी के लिए प्रैक्टिकली किया जाए और दिल से किया जाए, और जो काम दिल से होता है वो उसका मकसद नियत होता है। जब नियत बंदे की सही होती है तो मंजिल भी आसान होती है। मैं 2000 में यासिन लॉ कॉलेज से LLB फर्स्ट ईयर का एडमिशन लिया और कंटिन्यूसली हमने वहाँ तालीम हासिल की यासिन लॉ कॉलेज में। यासिन लॉ कॉलेज के दौरान हम कभी कभार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी आते थे और आते रहे। हमने देखा मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हमारे सीनियर, जैसे हमारे लेजेंड है शाह सखी साहब, सलीम वजीरी साहब, जमील साहब, सुल्तान साहब वाली साहब जैसे सीनियर्स को देखते रहे, तो हमें एक और वकालत की तरफ जो है एक वकालत करने का और एक शौक पैदा हुआ। और हम इस नतीजे पे पहुंचे कि जो हम ये प्रोफेशन सिलेक्ट करने जा रहे हैं वो सही है, जो आवाम के हुकूक के लिए होगा, जो आवाम के हुकूक को हासिल करने के लिए और उनको इंसाफ फराहम करने के लिए होगा। हमारी लगन और बढ़ी और हम बढ़ते बढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह हम कराची बार में सिंध बार काउंसिल में इनरोलमेंट हुई और कराची बार एसोसिएशन से अपनी वकालत का आगाज किया। हम इन्हीं सीनियर से, आप सब सीनियर जो मुझसे ज़्यादा सीनियर थे, इन्हीं से ही हमने वो सीखते रहे और अपना शौक पैदा करते रहे। और मेरी तकरीबन यही आदत होती थी कि अगर किसी कोर्ट में मैं अपीयर होता हूँ, अभी तक भी अगर किसी कोर्ट में अपीयर हो रहा हूँ, वहाँ अगर केस चल रहा होता है, अगर मेरा कुछ सीनियर वहाँ कोई क्रास एग्जामिनेशन हो रहा है या चीफ करवा रहे हैं, तो मैं अभी तक भी सीखने की कोशिश करता हूँ और अपना काम छोड़ के वहाँ बैठ जाता हूँ। क्योंकि सीखना सारी अमल जिंदगी का ही चलता रहेगा और हम अभी सीनियर्स के ही सीखेंगे और इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर होंगे। अब मामला ये है कि आप मेरे दोस्तों ने मुझे फ्रेंड साहब अमीनत शाह ग्रुप से जो है नॉमिनेट किया आपने कैंडिडेचर के लिए और मुझे कहा कि आप इलेक्शन लड़ें। और तमाम दोस्त जितने बैठे हैं मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम हर साल इलेक्शन लड़ते हैं। हमारे जितने भी कैंडिडेट आए अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया है और आपके उम्मीदों को पूरा उतरा है। और मैं भी आप दोस्तों को यकीन दिलाता हूं कि इंशाल्लाह उन सब दोस्तों से बढ़कर इंशाल्लाह मैं आपकी उम्मीदों को पूरा करूंगा। सिंध बार काउंसिल में जितने मसाइल हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त बार बार आ रहे हैं इलेक्शन में, उन लोगों ने इलेक्शन लड़े भी हैं, अभी भी बैठे। जो मैंने देखा है, क्योंकि मैं लोअर मिडिल क्लास का आदमी हूँ, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं कोई लैंडलॉर्ड हूँ, मैं लोअर मिडिल क्लास का आदमी हूँ। मैंने सिटी कोर्ट में, मलिर कोर्ट में प्रैक्टिस की है, सीनियर सब मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं। वहाँ सिर्फ बात कौंसिल में जितने मसाइल यंग लॉयर्स के साथ हैं, मेरे ख्याल में दुनिया के किसी और डिपार्टमेंट में नहीं होंगे। वहाँ हमारे बोर्ड से इलेक्ट हुए दोस्त वहाँ बैठे होते हैं, वहाँ हम जब जाते हैं किसी भी मसले पर, मेरे ख्याल में वहाँ हमें वो ड्यू प्रोटोकॉल नहीं मिला जाता जो मिलना चाहिए, क्योंकि हम क्रीम ऑफ सोसाइटी हैं। मगर वहाँ हमारे दोस्त जो हमारे वोट से जीते हुए होते हैं वो हमें नो लिफ्ट होती है। वहाँ इस तरह ट्रीट किया जाता है जैसे कोर्ट में मुलजमा को। मैंने तो ये देखा है कि वहाँ भी हमारे वकला बरादरी की तरफ से, वहाँ कंप्लेंट्स क्लाइंट्स की तरफ से, या किसी को ज़बरदस्ती किसी को बदनाम करना हो तो आप एप्लीकेशन किसी के थ्रू भिजवा देते हैं वहाँ सिंध बार काउंसिल में। मगर मैं कहता हूँ कि वो मुस्लिम जो कोर्ट में अपीयर होते हैं, जज साहबान उनसे बहुत अच्छा सलूक करते हैं, मगर वहाँ जो हमारे अहदेदारान बैठे होते हैं वो उससे भी बदतर हमारे साथ सलूक करते हैं। मैं इंशाल्लाह जंग बुकला के लिए और सीनियर के यंग बुकला के लिए इंशाल्लाह दिल से काम करेंगे। हम अपने हिस्से की क्षमा जरूर जलाएंगे इंशाल्लाह। सारे काम हम नहीं होंगे मगर अपने हिस्से की क्षमा जलाएंगे, वहाँ से जरूर रोशनी होगी। और भी दोस्त हमारे जो जीत के आएंगे वो भी हमारा साथ देंगे।
और सिंध बार काउंसिल में स्पेशली अब 60 साल की एज के बाद एक वकील साहब जो रिटायर होता है तकरीबन वो 60-65 साल का हो और अगर वो अल्लाह को प्यारा हो जाए तो वो सिंध बार काउंसिल और इसको 5,00,000 रुपए दे दे और वो भी इतनी उसकी बेवा को चक्कर लगवाते हैं कि वो भी कम होके जाती है कि ये लेना भी नहीं चाहिए और अगर वो जिंदा बचे 60 साल में तो उसको 2,00,000 रुपए दिए जाते हैं। आप मुझे सर बैठे हैं श्वाब साहब ये बताएं कि 60-65 साल की एज में एक वकील साहब वहां से 2,00,000 रुपए लेके जाके वो करेगा क्या? इस महंगाई के दौर में उसने क्या करना है 2,00,000 रुपए? ये मेरे ख्याल में हमारे वकला बिरादरी के साथ जुल्म है। मैं चाहता हूँ कि वकील इतना अगर आपके पास स्टाफ को देने के लिए बहुत कुछ है उस कंट्रोवर्सी में मैं नहीं जाना चाहता मगर मैं चाहता हूँ कि अगर एक वकील रिटायर हो गया है अगर वो वकालत को अपनी को स्टार्ट करके रिटायरमेंट लेता है तो कम से कम उसको 25,00,000 तक तो दें क्योंकि वो बकाया जिंदगी अपनी सुकून से गुजार सके। मैं आप सब दोस्तों की और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। टाइम बहुत हो गया है सब दोस्तों का शुक्रिया आप लोग आए मैं आप में से हूँ आपके ही अदालत में हूँ आप मुझे वोट दे के एहसान अली पे एहसान करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी मायूस नहीं करूँगा। बहुत शुक्रिया और आज जो है बार काउंसिल में फॉर्म सबमिट करवाने की आखिरी तारीख थी लेकिन हमें मालूम हुआ कि आपने एन टाइम पर एन वक्त पर आप विड्रॉ कर गए आपने फॉर्म जमा नहीं कराए तो क्या जान सकते हैं कि ये आप ज़ाती तौर पर विड्रॉ हुए या आप किसी के हक में विड्रॉ हुए इसकी वजूहात ज़रा हमें बताएं सर। अस्सलाम वालेकुम इसकी वजह सिर्फ एक है मेरा ऑब्जेक्टिव था इस इलेक्शन में कि वकला की वेलफेयर के लिए काम करना और उनकी बहबूद के लिए वर्कआउट करना तो जो मेरा मंशूर और ऑब्जेक्टिव था वही हमारे एक दोस्त एहसान सियाल का था तो मैंने बेहतर ये समझा कि मैं इस इलेक्शन में एहसान सियाल को सपोर्ट करूं और उनके हक में विड्रॉ हूं ताकि उनके जीत के चांसेस और मज़ीद बढ़ जाए। अच्छा ये बताएं कि आप एहसान सियाल को अब सपोर्ट कर रहे हैं और वोट भी डेफिनेटली आप कास्ट करेंगे तो इनफरादी तौर पर जाती तौर पर आप सपोर्ट करेंगे उनको या आपका पूरा ग्रुप जो है वो उनको सपोर्ट करेगा इसके बारे में थोड़ा? नहीं मैं इनफरादी तौर के अलावा जो मेरा ग्रुप है पूरा जैसे लास्ट ईयर हमने कराची बार में इलेक्शन में अबाउट 400 वोट कास्ट किए हुए थे मेरी फेवर में तो हमारा जो पूरा ग्रुप है वो पूरा ग्रुप इनको सपोर्ट करेगा और इनको सपोर्ट के अलावा वोट भी कास्ट करेंगे। तो आप कोई अपने सपोर्टर्स को या जो आप की हिमायत कर रहे थे इस इलेक्शन में अपने ग्रुप को कोई पैगाम देना चाहते हैं? जी बिल्कुल मैं अपने ग्रुप को ये पैगाम देना चाहूँगा कि इस इलेक्शन में एहसान सियाल को सपोर्ट करें वो ईमानदार और कॉम्पिटेंट आदमी है और बिल्कुल इस सीट के लिए अहल है और इसी वजह से मैंने उसके हक में इलेक्शन को इस दफ़ा पोस्टपोन किया है और विड्रॉ किया है और मेरे तमाम दोस्त अहबाब जो इस इलेक्शन में मुझे सपोर्ट कर रहे थे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो एहसान सियाल को सपोर्ट करें और वोट कास्ट करके उसे विनिंग दिलवाएं तो यही मेरा पैगाम है दोस्तों। थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच।